घर की स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी घर वाले काफ़ी मना करते थे कि तुमको स्पोर्ट में नहीं जाना है तो नहीं जाना है गाँव में कोई भी नहीं चाहता था कि मैं रनिंग करूं। मुझे इंटरनेशनल खेलने इंडोनेशिया जाना है पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बन गया पापा ने एक लाख बीस हज़ार रुपये सूदी पर लेकर दे दिया उन्हों को तो जब मैं कोच को कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो तुम इंटरनेशनल के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप क्यों थे मेरा नाम मंजर है मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के कुमरोली गांव से हूं मैंने सेवन क्लास से रनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं हमेशा कुछ नया करना चाहता था क्योंकि गांव में लोगों को एजुकेशन काफ़ी थी लेकिन स्पोर्ट के तरफ किसी को भी तो नहीं थी लोग स्पोर्ट को कुछ जानते भी नहीं थे इसलिए मैंने इस्पोर्ट को चुना और बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं फ़ौज में जाऊँ जिसके लिए मुझे रनिंग करना था तो मैं रनिंग स्टार्ट कर दिया सेवन क्लास से ही। मैं रनिंग करता था तो वहाँ के लोग मुझे बोलते थे ये क्या कर रहा है ऐसा थोड़ी ना ये सब चीज़ से स्पोर्ट में किसी से क्या दिलचस्पी तो फिर भी मैं रनिंग करता था रोज़ाना मैं बारह किलोमीटर दौड़ता था मॉर्निंग में उसके बाद एक दिन मेरा एक दोस्त ने बताया जब तू रनिंग करता है तो एक जगह डिस्ट्रिक्ट गेम हो रहा है तुम तो उसमें जाके जा क्वालीफाई करो देखो क्या होता है मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा मैंने दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पोलो स्टेडियम में मैंने अपना पहला डिस्ट्रिक्ट गेम खेला 2016 में वहाँ मुझे गोल्ड मेडल लग गया मुझे एथलेटिक में दिलचस्पी आने लगी तो मैंने स्टार्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट खेलने गया स्टेट खेलने में पाटलिपुत्र कैंपस पटना गया वहाँ मुझे गोल्ड मेडल वहाँ भी लग गया फिर मुझे घर वाले रोकना स्टार्ट कर दिए कि तुमको नहीं जाना है आगे तुमको पढ़ाई करना है तुमको डॉक्टर बनना है घर की स्थिति काफ़ी गड़बड़ थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी तो घर वाले काफ़ी मना करते थे कि तुमको स्पोर्ट में नहीं जाना है तो नहीं जाना है फिर मुझे नेशनल खेलने के लिए 2019 में कॉल आया कि मुझे नेशनल खेलने हरियाणा जाना है घर वालों को मैंने जब बताया कि मुझे हरियाणा जाना है तो घर वालों ने मेरा सारा सामान छिपा कर रख दिया कि तुम हरियाणा नहीं जा सके खेलने के लिए और मुझे जाना था मैं काफ़ी परेशान हो गया मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे हरियाणा जाना है खेलने के लिए दोस्तों ने बोला कि ठीक है सब लोगों ने बोला घर वाले ने सारा बैग वगैरह सब छिपा के रख दिया मैंने चुपचाप घर से निकल गया दो दिन तक मेरा फ़ोन ऑफ था किसी दिन जब मैंने फ़ोन अपना खोला तो काफ़ी घर से कॉल उलाया था कॉल जब आया पापा का तो पापा बोले जब जाना ही था तो बता के जाता मैं बोला अगर मैं बता के जाता तो आप जाने नहीं देते मुझे इसलिए मैंने बिना बताए हरियाणा गया वहाँ जब मुझे नेशनल में सिल्वर मेडल लगे तो वहाँ के लोगों ने कॉल किए पापा को कि कंग्रेचुलेसन आपका बेटा ऐसे किया तो पापा बहुत खुश हुए लेकिन वहाँ स्टेट पे जब मैं था तो मुझे एक औरत ने जब जिस टाइम मुझे मेडल सरमनी हो रहा था तो एक औरत थी उसने मुझे कहा कि तुम बिहार से हो और तुमने मेडल किया मुझे यकीन नहीं होता तो मैं मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों तो वो बोले बिहार में से स्पोर्ट में आना ये बहुत बड़ी बात है और मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई लोग इस सब चीज़ से भी इंटरेस्ट रखते इसलिए मैं चौक गई तो ये उनका ये बात मुझे काफ़ी बेकार लगा कि बिहारी के प्रति उनका मतलब कि अट्रैक्शन बहुत बुरा था बिहारी को वो लोग देखना नहीं चाहते थे तो मुझे काफ़ी बेकार लगा उसके बाद जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो जो पापा मुझे कभी बातचीत भी नहीं करते थे सही से स्पोर्ट के प्रति उस दिन मेरे पापा ने मुझे तीन घंटा वीडियो कॉलिंग पर बात हुई पापा से और काफ़ी मोमेंट था उस दिन मेरे लाइफ का क्योंकि घर पे माँ होती है ना तो माँ हमेशा अपने बच्चों को काफ़ी प्यार देती है लेकिन पापा बाय चांस प्राउड मोमेंट पे ही पापा बातचीत करते हैं या गले वगैरह लगाते हैं उसके बाद से पापा से काफ़ी अच्छी बातचीत हुई हमारी उसके बाद जब मैं आया तो यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से लेके हर हर बड़े छोटे सभी नेता लोग घर पर आए सभी लोगों का इंटरव्यू वगैरह हुआ मेरे एरिया में इससे स्पोर्ट बढ़े इसलिए मैंने एक अभी सात एथलेटिक क्लब भी खोला और वहाँ के बच्चों को स्पोर्ट के प्रति जागरूकता के लिए मैंने बहुत कोशिश किया क्योंकि जब मैं कहीं भी पार्टिसिपेट करता था वहाँ सबसे कम बच्चे बिहार के होते थे और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के तो और कम होते थे इसलिए मैंने सोचा कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो एक ही रास्ता है कि आप अपने एक छोटे से गांव में एक छोटा सा क्लब खोले तो मैंने सात एथलेटिक क्लब खोला इसमें अभी भी सत्तर बच्चे एडमिशन ले चुके हैं मैंने सभी बच्चों का फ्री एडमिशन किया और फ्री क्लब चल रहा है इससे क्या है कि मेरे जो बचत है मैं उसी बचत में से अपना क्लब चला रहा हूँ किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी तरह के कोई भी नेता से कोई सहायता नहीं मिली हमारा आज जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा संघर्ष है आपके फील्ड में इतना संघर्ष मैं खुद इतना संघर्ष झेला हूँ मेरा एक ग्राउंड है कुम्भरौली ग्राउंड प्राइवेट ग्राउंड है तो मैं अपना सारा सामान उसी गाँव में रखता था ग्राउंड में फिर तो मैं जब ग्राउंड में गया तो मेरे ग्राउंड में मेरा सारा प्रैक्टिस का सामान मुझे जला मिला मैं काफ़ी टेंशन में था कि सामान ऐसे कौन जला देगा काफ़ी टेंशन में होने के बाद मुझे पता चला कि जो लोग जलाए वो मेरे साथी में से ही थे और ये बात का मुझे काफ़ी दुख हुआ कि जो साथी मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे उन्होंने ही मेरा सामान क्यों जला दिया गांव वालों को मैंने एक दो लोगों को बताया कि ऐसी सी बात है सब कोई लोगों का कोई एक्शन नहीं था क्योंकि गांव में कोई भी नहीं चाहता था कि मैं रनिंग करूं या स्पोर्ट में जाऊँ सभी लोगों का ये कहना था कि स्पोर्ट में आप क्या कर सकते हो आपकी लाइफ सेट नहीं हो सकती आप लाइफ में आप बर्बाद हो जाओगे जब मैं नेशनल जब जीत के आया तब वही लोग आके मिले जो लोगों ने मेरा सामान जलाया था उसने आके अकेले मुझे मिले कि मैं मैं ही वो शख्स हूँ जिन्होंने आपका सामान जलाया आज मुझे पता चला कि उस दिन मैं गलत था आप सही थे और उसने माफ़ी मांगा तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्ट्रगल के दौरान था तो उस टाइम में जब मैं अपने बहुत खास लोगों को मुझे कहीं खेलने भी जाना था तो मुझे कैश चाहिए पैसे चाहिए तो मैं फ़ोन करता था तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता था जब मैं किसी को मैसेज करता था तो कोई मेरा मैसेज कोई सेंड तक नहीं करता था दो चार पाँच दस दिन कोई भी सेंड नहीं करता था मुझे कहीं भी खेलने जाना हो दिल्ली हरियाणा पंजाब बहुत जगह खेलने जाना था तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी सफ़र के लिए तो जितना भी ख़ास है खुद फैमिली के लोगों ने मेरा सपोर्ट करना बंद कर दिया कोई लोगों का फ़ोन नहीं उठाना कोई लोगों को फ़ोन करते थे तो कॉल काट देना इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी मतलब कि कहीं कि किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही गया एक बार जब मैं पंजाब में था तो वहाँ मेरा एक दोस्त था तो उस, उसने मुझे कहा कि तुम लोग बिहार से हो जब तुम लोगों का कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करता है तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो छोड़ दो ना तो मैंने कहा अगर मैं छोड़ दूंगा तो अपनी मंजिल को कैसे पा पाऊंगा मेरा एक ही विनती है आप लोगों से और जितने भी लोग जितने भी स्पोर्ट के माध्यम से जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनको भी किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल के दौरान कोई सहायता नहीं मिल रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जितना बड़ा आपका स्ट्रगल होगा उतनी बड़ी पहचान बनेगी आपको इसलिए आप लोग कभी भी स्ट्रगल के दौरान आप लोग मेहनत के दौरान किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ आए तो आप लोग स्ट्रगल नहीं छोड़ें आप लोग मेहनत करते रहें एक दिन कामयाबी जरूर रंग लाएंगी लोगों का काम कहना है बोलना है सुनना है वो लोगों का काम अगर लोग क्या बोलेगा ये बात हम सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेगा इसलिए लोगों का काम है सोचना वो आप अगर कोई आदमी आपके प्रति बोलता है कि आप ये मत करो आप वो मत करो तो वो आदमी आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ के आओगे ना तो वो आदमी कहेंगे कि पागल है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की क्या जरूरत थी इसलिए आप अगर स्पोर्ट में हो या किसी भी स्ट्रगल के दौरान तो अब वैसे आदमी से कम ही मिलिए जो आपको डीमोटिवेट करते हो मेरे पापा मुझे कभी प्यार से बात नहीं करते थे कभी नहीं लेकिन आखिर के बदला ना सब कुछ नेशनल जीत के आया आज मुझे इंटरनेशनल खेलने इंडोनेशिया जाना है पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बन गया और वहाँ ढाई लाख रुपया मंगाया गया पापा से पापा काफ़ी मजबूर थे पापा ने एक लाख बीस हज़ार रुपये सूदी पर लेकर दे दिया उनको जब उनको दे दिया गया तो एक साल पहले मुझे जाना था तो जब मैं कोच को कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं पोस्टपोन्ड हो गया एक महीने के बाद जाना है दो महीने बाद जाना है तीन महीने बाद जाना है फिर मैंने उनसे एक दिन साफ साफ कही कि देखिए मेरे पापा ने सूदी पर पैसा लेकर दिया है आपको और हर महीने उनको ब्याज लगता है इसलिए आप अगर मुझे नहीं ले जाना है इंटरनेशनल के लिए तो आप मेरा पैसा वापस कर दें मुझे नहीं जाना है तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो तुम इंटरनेशनल के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप क्यों किए जिसके कारण घर पे और ताने मसले मुझे सुनने को मिलते हैं एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी कर रहा था तो हम लोग किसी शॉप पे जा रहे थे तो हम लोगों के पास पैसा कैश पे नहीं था फ़ोनपे पर था तो हम लोगों ने एक दुकान पर गया तो उनके पास फ़ोनपे सिस्टम नहीं था उसने कहा आगे दुकान पर देख लो मैंने फिर उससे आगे गया फिर उसने कहा कि एक और आगे चले जाओ वहाँ मिल जाएगा फिर मैं वहाँ गया मुझे तीसरी बार मैं तीसरे दुकान पे गया तब वहाँ फ़ोन पे कांटेक्ट मिला और मैंने अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया तो मैं से ये जाहिर कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में एक बार असफलता हासिल हो तो इसका यह मतलब नहीं कि अब अपना गेम या किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस करें तो उसको छोड़ दें क्या पता है अगले स्टेप पे आपकी कामयाबी हो दूसरे स्टेप में नहीं तीसरे स्टेप में हो चौथे स्टेप में इस ये कोल्डिंग वाला मैटर मुझे इसलिए दिलचस्पी लगी क्योंकि मैं एक शॉप पर गया दूसरे शॉप पर गया तीसरे चौथे शॉप पर जाकर मुझे फ़ोन पे सिस्टम मिला और मैंने कोल्डिंग लिया तो इससे ये जाहिर है कि आप जब भी किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी एजुकेशन में आप किसी भी फील्ड में कोई प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो एक एक बार असफलता हासिल हो दो दूसरी बार असफलता फिर भी अपने आप को कभी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ते ही रहना चाहिए आपको तभी जाके आप आगे कुछ कर सकोगे अब सब एक सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते हैं उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा तो अके सुन मिलत तो बस बनल